हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप प्रॉफिटेबल है कि नहीं ट्रेडिंग में? देखिए, दो तरह के लोग इस समय ये वीडियो देख रहे होंगे। एक जिन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, और या फिर वो जिनको ट्रेडिंग से प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तभी आप परेशान हैं और आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर का मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। देखिए, अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हैं, प्रॉफिटेबल इन द सेंस जब से आपने पैसा डाला है, ओवरऑल बेसिस पे हम बात कर रहे हैं, एक दो दिन अगर आप प्रॉफिट में आ भी जा रहे हैं तो उसे हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं कहेंगे। कंसिस्टेंसी से आपको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ना कि एक दो दिन प्रॉफिट में आना, फिर लॉस होना, फिर प्रॉफिट में आना, फिर लॉस होना, इसे हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं कहते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हैं। तो सबसे बड़ा रीजंस है आपकी कोई नॉलेज ना होना शेयर मार्केट को लेके, ये एक बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। जब तक आपकी एक्सपेक्टेशंस आप पे कंट्रोल नहीं रहेगा, आपकी एक्सपेक्टेशंस पे आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा लेके बैठेंगे मार्केट के अंदर, तो ये डेफिनेटली श्योर है कि आप वो ट्रेड पे जाएंगे जो ट्रेड वाकई में बनती ही नहीं है, या फिर वो हाईली रिस्केबल ट्रेड्स हैं जिसकी वजह से आपको लॉस हो जाएगा। अगर आपको इतना ही जल्दी पैसा बनाना है, तो इस समय IPL चल रहा है, आप वहाँ जाइए, बहुत अच्छा पैसा बन जाएगा अगर आपकी किस्मत में हुआ तो, ठीक है, उसे हम लक कहेंगे। लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जो शेयर मार्केट को लक कह देते हैं। देखिए दोस्त, लक नहीं है, समस्या यहाँ पे आती है कि हम बिना नॉलेज के उतर जाते हैं। और ऐसे कुछ ये इस तरह से है कि आपने स्विमिंग पूल देखा और आप कूद गए, आपको तैरना नहीं आता था, तो ऑब्वियस आप डूबोगे ही डूबोगे। पानी में मजा तो आएगा, लेकिन वो मजा कुछ देर बाद सजा बन जाएगी, जैसा कि ट्रेडिंग में देखने को मिल रहा है जनरली। तो सवाल उठता है कि करें क्या। सबसे पहले तो आपको बहुत जरूरी है जो आपके सामने है, और वो है चार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चार्ट रीडिंग करना आना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ चार्ट रीडिंग करने से हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं है, ये एक फर्स्ट स्टेप है। देखिए, मार्केट में किसी भी चीज को सेलेक्ट करने के लिए, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो फ्यूचर ऑप्शन हो, पहले चीज तो ये समझिए कि जो मोटी थिंग है, जो आपको पकड़नी है, वो है प्राइस। प्राइस स्टॉक में भी उतनी ही वैल्यूएबल है जितनी ऑप्शंस में है। लेकिन गलती यहां पे जो नए ट्रेडर्स हैं या जिनको नॉलेज में नहीं है, वो क्या करते हैं, वो निफ्टी के पॉइंट्स पे देखते हैं कि निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है, 200 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है, 50 पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा है, इसको देख रहे हैं। वो इस चीज को नहीं देख रहे हैं कि उस 50 पॉइंट के ट्रेड होने की वजह से जो ऑप्शन के प्रीमियम है उन पे क्या इफेक्ट हो रहा है, उनके प्राइस पे क्या इफेक्ट हो रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है देखने की। अगर आपको ट्रेड लेनी होती है तो आप प्राइस पे ट्रेड लेते हो, ना कि आप निफ्टी के पर ट्रेड लेते हो। आप ऑप्शन के किसी एक पर्टिकुलर प्राइस में एंट्री करते हो और किसी एक प्राइस से बाहर निकलते हो, उस प्राइस पे आपको प्रॉफिट और लॉस बनता है। बात समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि कभी भी आप ट्रेड करते हैं, जैसे आप स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक पे बात करते हैं, जैसे HDFC बैंक के आप ट्रेड करना चाह रहे हो, तो आप वहां पे क्या ट्रेड करोगे? 400 पे चल रहा है, अगर मान लेते हैं एक XYZ शेयर है, तो आप 400 रुपीज पे उसको बाय करते हो, 450 पे या 380 पे या 350 पे सेल करते हो। तो जो 400 था वो प्राइस था, 450 प्राइस था, 380 350 भी प्राइस था। तो आपने प्राइस में एंट्री की, प्राइस में निकले, प्राइस में आपने एग्जिट किया, वगैरह वगैरह, क्लियर। जैसे अगर हम मान लें किसी एक शेयर HDFC को, तो 1400 का प्राइस चल रहा था, 1410 पे आपने एंट्री की, तो आपने प्राइस 1410 पे एंट्री की, उसके बाद आपने उसको 1450 या 1600 किसी पे भी बेचा, और वॉट एवर यू प्रॉफिट गेट। बट सवाल यहां पे ये उठता है कि जब हम निफ्टी में आते हैं, तो हम निफ्टी में क्या देखते हैं कि बैंक निफ्टी 21,000 समथिंग पे चल रहा है, तो अब क्या 21,200 जाएगा, 21,100 पे चल रहा है, 21,150 जाएगा, तो हम उसके अंदर ढूंढते हैं साइकोलॉजी। वो गलत तरीका है, उससे नहीं काम बनेगा। अगर आप प्राइस पे काम कर रहे हो, तो आपको कॉल ऑप्शन के प्राइस को देखना चाहिए, ना कि आप पॉइंट्स को देखना चाहिए, पहली चीज तो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बिना नॉलेज के अगर आप मार्केट में उतर गए हो, जैसे अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है या बेसिकली आपने कोई पढ़ाई नहीं की थी, और आप सिर्फ ओवर स्मार्टनेस में कि हम बहुत तेजू खा हैं, हमसे पैसा बनेगा, आज बन जाएगा, कल बन जाएगा, या कल बना था तो आज भी बनेगा, मार्केट बढ़ेगा, इलेक्शंस आने वाले हैं, मार्केट पक्का गिरेगा, ठीक है,
रशिया ने ये कर दिया है तो मार्केट बढ़ेगा, रशिया ने ये कर दिया है मार्केट गिरेगा। तो इन सब इम्पैक्ट्स को जब आप लेके मार्केट को ट्रेड करने जा रहे हो तो इससे इमोशंस नहीं पता चलते हैं। मार्केट के इमोशंस को बाहर मार्केट के क्या हो रहा है उससे नहीं डिसाइड होता है। मार्केट के इमोशन अगर आपको सही पढ़ने हैं तो मार्केट को चलाते सिर्फ दो कैटेगरी के लोग हैं। नंबर एक, जो बहुत पैसा रखे हैं, जिनको बोला जाता है इंस्टीट्यूशनल्स, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल, DI, FIIs। और दूसरा जो बी पर्सन है वो है भारत के आम लोग। ये आम लोग इतने हो गए हैं आज के समय कि ये एक इंस्टीट्यूशनल की तरह बिहेव करते हैं। तो ये दो कैटेगरी है जो बैठी हुई है मार्केट में। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये जो एक कैटेगरी है बी कैटेगरी, भारत के जनरल लोग, इनके पास नॉलेज नहीं है। और वो जब इन नॉलेजफुल बंदों के बीच में बैठते हैं तो आगे पीछे में पिस के रह जाते हैं, जिसकी वजह से उनका हैवी लॉस होता है। बात समझ में आई? तो सवाल ये उठता है कि मार्केट के इमोशंस को पकड़े कैसे। कुछ लोग कहते हैं, मैंने पहले भी वीडियो डाल रखा था, कि कुछ लोग होते हैं जो मार्केट में कैंडल बनाते हैं। नहीं दोस्त, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मार्केट में कैंडल बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी करती है, जो हर आम आदमी के पीछे लगी होती है। वो क्या सोच रहा है, इस बेसिस पर मार्केट में साइकोलॉजी बनती है, ना कि किसी एक आदमी के सोचने से। क्यों? किसी एक आदमी ने सोचा कि आज हम इसको शॉर्ट करेंगे और भारत की पब्लिक देख रही है कि नहीं, बुल मार्केट हम बढ़ाएंगे, तो वो घंटा उसको बेच के शॉर्ट कर सकता है? नहीं संभव है। इतना पैसा है ना लोगों के पास में, जब वो अगर चाह लेंगे तो मार्केट को बढ़ा ही देंगे, फिर इन्वेस्टर कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, उसने एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा कि लोग डर जाते हैं। जब लोग डर जाते हैं तो वो उसका साथ देते हैं और वो भी अपना जो होल्डिंग रखे हैं वो बेचना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मार्केट नीचे गिरने लगता है। कभी आपने देखा होगा जिस दिन मार्केट 200 पॉइंट का डिक्रीज होता है, उस दिन कभी कभी 300 400 तक वो टच कर जाता है। तो क्या रीजंस है? साइकोलॉजी, लोग परेशान, डर जाते हैं। तो सवाल उठता है मार्केट के इमोशंस को पकड़े कैसे। तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा चार्ट रीडिंग, आपको सीखना पड़ेगा जो कैंडल फॉर्म हो रही हैं उसमें रियल बॉडी क्या होती है, शेडोज क्या होती है, रियल बॉडी किस तरह का फॉर्मेशन कर रही है, तो इसके पीछे क्या साइकोलॉजी होगी भाई, क्या रीजन है जिसकी वजह से ऐसी स्ट्रक्चर बन रही है। वहां पे पेन लेके तो कोई ड्रॉ कर नहीं रहा है, वहां पे ऑटोमेटिक कंप्यूटर जनरेट हो रहा है ना, तो कंप्यूटर उसके वॉल्यूम, उसके प्राइस एक्शन को देख के उस कैंडल को बना रहा है, ना कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन बैठ के बना रहा है, उसको मैनिपुलेट नहीं कर पा रहा है कोई भी। तो जो वो चार्ट रीडिंग अगर आप करना सीख जाएंगे कि किस कैंडल के फॉर्मेशन से या टू कंबाइंड कैंडल के फॉर्मेशन से क्या बन रहा है, तब आप समझ पाएंगे कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, इमोशन क्या है। वो मार्केट का रियल इमोशन होता है, ना कि रशिया का वॉर, ना कि भारत का पाकिस्तान से वॉर या इमोशन जो रिलेट कर रहा है हम लोग, चाइना से जो हमारे रिलेशन है उससे कोई मतलब नहीं होता है। उसका इम्पैक्ट दिखता है बट वो लॉन्ग टर्म में दिखता है, और उतना लॉन्ग टर्म हम वेट नहीं करते हैं। अगर हम फ्यूचर ऑप्शन कर रहे हैं तो हमारा मैक्स टू मैक्स 1 वीक होता है, 1 वीक में से 5 डेज। तो अगर आप उन पैरामीटर्स पे जाएंगे जो मार्केट के बाहर एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे न्यूज हो गई, किसी कंपनी के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स हो गए, इन सारे एनालिसिस को हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। जब आप इसको मार्केट में लेके आते हैं तब ये कहीं ना कहीं पुराने हो चुके होते हैं, ये सबको पता चल जाता है। तो इससे इमोशन नहीं बनते हैं। इमोशन बनते किससे? इमोशन बनते हैं मार्केट में बनने वाले ग्राफ से, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि बाहर क्या हो रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले पढ़ाई कीजिए, और मार्केट के चार्ट की रीडिंग करना अगर आपको सीखना है तो मैं इस पर पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूं, उसको आप कंटिन्यूअसली वॉच कीजिए। और एक बार देखने से हो सकता है नहीं भी क्लियर हो, उसको आपको 2 या 3 बार देखना पड़ सकता है, तो हार मत मानिए, उसको देखेंगे और फिर मार्केट में जब उस चीज को होता हुआ देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा क्लियरिटी आएगी, आपको समझ में आएगा हाँ इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट के पीछे जो कैंडल बन रही है, उस कैंडल बनने के पीछे की साइकोलॉजी क्या है उसको पढ़िए। जब वो पढ़ना सीख जाएंगे आप, ये सीखना पड़ेगा, ठीक है। जब आप सीख जाएंगे, हर एक पैटर्न के अपनी एक साइकोलॉजी है, तो जब आप उसको सीख लेंगे तब आपको यह समझ में आएगा कि कहां एंट्री करनी चाहिए और कहां एंट्री नहीं करनी चाहिए। एक बात मैं क्लियर कर दूं, आप मार्केट की साइकोलॉजी पढ़ने के बाद भी पैसा छापने लगे ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, उससे आपके अंदर डिसिप्लिन आएगा, जिसकी वजह से जो बेवजह के लॉसेस थे वो कंट्रोल होंगे और ऑटोमेटिक आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। अगर आपको ठीक से समझना है साइकोलॉजी को तो आप मेरी प्लेलिस्ट को वॉच कीजिए,
फुल टाइम ट्रेडर की जो प्लेलिस्ट है उसको आप एक बार देखिए, और आपको कोई भी डाउट आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।